नमस्कार किसान भाइयों, औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती साल में दो बार की जाती है, एक बरसात के मौसम में और एक सर्दियों में। लेकिन बहुत से किसान भाइयों का यह मानना है कि बरसात के मौसम में अश्वगंधा की खेती करके ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है और इसमें लागत भी कम आती है, क्योंकि सिंचाई करने भी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बारिश के मौसम में वर्षा से ही अधिकतर सिंचाई हो जाती है। लेकिन किसान भाई, क्या आप लोगों को बरसात के मौसम में इसकी फसल में क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी है? तो किसान भाई, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बरसात के मौसम में आपको इसकी खेती में क्या नुकसान हो सकता है उसी के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना किसान भाइयों, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक जल्द से जल्द वो वीडियो पहुंच सके और आप लोगों को सही जानकारी हो सके, ताकि आप किसी भी फसल की खेती करके नुकसान का शिकार ना बने और हर फसल से एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। क्योंकि मैं किसान भाइयों, किस फसल से कितना लाभ मिलता है उस फायदे के साथ साथ मैं आप लोगों को उससे आपको किस प्रकार से नुकसान उठाना पड़ सकता है पूरी बातें बताता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं तो मैं समझ सकता हूं कि किस फसल को करने से फायदा होता है और कब करने से फायदा होता है, किस तरीके से फसल की बुआई करना चाहिए और किस तरह से फसल की सिंचाई करनी चाहिए, हर बात मैं अपने वीडियो में बताता हूं, ताकि कोई भी किसान भाई किसी भी प्रकार की फसल करके नुकसान ना झेले, वो कैसी भी फसल होते हर फसल से सिर्फ फायदा ही कमाए, उसको कम से कम नुकसान हो। तो किसान भाई, आज मैं आप लोगों को अश्वगंधा की फसल को बारिश के मौसम में लगाने से क्या नुकसान होता है वो आप लोगों को बताता हूँ। तो किसान भाई, मैंने भी यह फसल बरसात के मौसम में लगाई थी और आप देख सकते हो मैंने जल भराव वाली जगह का चयन नहीं किया था और जो ऊंची जगह थी उस जगह का चयन किया था, ताकि पानी का भराव ना हो और फसल खराब ना हो। लेकिन ऊंची जगह होने के बावजूद में आप देख सकते हैं यहाँ से मिट्टी का कटाव हुआ है और बहुत दूर की मिट्टी अश्वगंधा के पौधों के साथ कटकर वहाँ एक जा चुकी है। मतलब बरसात के मौसम में अगर आप खेती करते हो तो बरसात अगर ज़्यादा हो गई तो मिट्टी का कटाव हो सकता है और मिट्टी के कटाव के कारण आपके अश्वगंधा के पौधों की जड़ें खुद कर आपकी फसल खराब हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके एरिया की जो मिट्टी है वो कटाव वाली तो नहीं है, और आपने जिस जगह पर खेती की है वो जगह कटाव तो नहीं करती। अगर आप लोगों ने इस बात का ध्यान कर लिया, इस बात पर गौर कर लिया कि ये जो जगह हम जहाँ पर अश्वगंधा की फसल लगा रहे हैं वो जगह बारिश के मौसम में कटाव तो नहीं करेगी, तो आप लोग इस नुकसान से बच जाओगे। क्योंकि ये नुकसान मुझे हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये नुकसान ना हो। ये देख सकते हो आप, बहुत दूर की मिट्टी कटकर जा चुकी है और अश्वगंधा के जो यहाँ पर पौधे थे वो मिट्टी के कटाव के कारण उनकी जड़ें खुद गई और वो जल गए। फिर से मैंने इस जगह में अश्वगंधा का दोबारा से बीज डाला है। इस जगह में वो पहले जो पौधे थे वो जल गए हैं, लेकिन अभी देखिए आप देख सकते हो छोटा छोटा पौधा अभी और उग रहा है। इसमें मैंने वो फसल खराब हो जाने के कारण इसमें फिर से बीज डाला है, मेरे पास बीज बचा हुआ था तो मैंने इसमें आप देख सकते हो छोटे छोटे पौधे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो किसान भाई, एक तो आपको मुख्य रूप से ये कटाव वाली बात ध्यान में रखनी है कि आपकी जो जगह है जिसमें आपने अश्वगंधा लगाई है वो कटाव वाली जगह तो नहीं है। दूसरी आपको यह भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपने अश्वगंधा की खेती लगाई है उस एरिया में जल का भराव तो नहीं होता, पानी तो नहीं रुकता, क्योंकि पानी रुकने से भी आपकी फसल खराब हो सकती है। अगर ज़्यादा दिन पानी रुक गया तो अश्वगंधा की जो जड़ें होती है वो जड़ें खराब हो सकती है और आपको इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप इसकी खेती करो तो बड़ी सावधानी के साथ में करना,
और हर चीज का आपको ध्यान रखना है तो आप इसमें मुनाफा कमा सकते हो, नहीं तो आप मुनाफे के बजाय इसमें नुकसान भी उठा सकते हो। धन्यवाद किसान भाइयों।